हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? आशा करती हूं आप लोग हर कोई अच्छे हैं, खुश है, घर पे सही सलामत है। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। तो आज का ये जो वीडियो है, इसका मुझे इंतज़ार जन्मों जन्मों से था। एक्चुअली नहीं, जन्मों जन्मों से नहीं, एक्चुअली फ्रॉम 6 to 7 मंथ मैं सोच रही थी कि मुझे वीडियो देना ही है, क्योंकि मैं आज जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, आई थिंक जितने भी मेरे दोस्त ये सारे वीडियो देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ये फेस को ऑलरेडी वो पार कर चुके हैं, या फिर अगर नहीं भी पार करे तो मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि वो कभी पार ना करे। और जान के रखिए, क्योंकि लाइफ इज सो अनसर्टेन माय डियर फ्रेंड्स। और उसके साथ मैं इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा प्राउड भी हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो शेयर करने वाली हूँ, इनफैक्ट जो मैं दिखाने वाली हूँ, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं मेरा हेयर फॉल स्टोरी। वीडियो देखने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ पे जो बेल बटन है उसे भी आप क्लिक कर दें, ताकि मेरे चैनल के हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। पहले बोल दूं, मेरा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं कुछ भी DIY या फिर डेमो या फिर रेमेडी या फिर रिव्यू मैं नहीं देने वाली हूँ। थोड़े बहुत रिव्यू दे सकती हूँ, लेकिन ये चैटी वीडियो होगा। इसमें स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट या फिर होम रेमेडीज को लेकर मैं बात नहीं करूँगी। और उसके साथ और एक बात है, मेरे एक्चुअली बहुत सारा डेटा था मेरा फ़ोन का फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, जो भी सब कुछ, 1 से भी ज़्यादा एक्चुअली 1.5 ईयर्स, जो भी सारा डेटा था सब चले गया मेरे फ़ोन से। तो इसीलिए मैं बहुत सारा पिक्चर आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी। कि मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर किया था, जिस पोस्ट पे मैंने एक फोटो शेयर किया था, और उसी फोटो को मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ कि एक्सट्रीम मेरा हेयर फॉल कैसे हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब स्टोरी को शुरू करते हैं। तो बचपन से ही ना मेरा हेयर डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है। मम्मी डिफरेंट डिफरेंट होम रेमेडीज ट्राई करती थी, लेकिन मेरे जेनेटिक्स ही कुछ ऐसा है। अब बेचारी मम्मी को कौन समझाए कि जेनेटिक्स कैसे चेंज कर सकता है होम रेमेडीज। लेकिन मम्मी ने उतना शायद सोचा नहीं था, मम्मी यूज़ करती थी, लेकिन वो कभी भी मतलब हेयर डेंसिटी के ऊपर तो उतना काम नहीं किया। आई वॉज प्रिटी फाइन विद दैट, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं था, और मेरा हेयर लाइन भी इस साइड से कमी है, और ये सेम मेरे बड़े भाई को भी है, उसका भी सेम मेरे जैसा है। अब जेनेटिक्स मैंने बोला ना, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ जीन में ही आ जाता है। तो आप लोगों को ऐसा कुछ हो रहा है तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा घर पे ही देखिए कि सबका कैसा कैसा है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आपका नानी का जैसा है आपका वैसा हुआ, आपका दादी का जैसा है आपका वैसा हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है। ये रही मेरी बचपन की मतलब हेयर का स्टोरी। सो मैंने कभी भी इस चीज़ को कभी फील नहीं किया कि मुझे बाल नहीं है, मुझे वो नहीं है। एक दो लोग बोलते थे, बट मैंने कभी माइंड भी नहीं, मैंने कुछ सोचा भी नहीं कि क्या है इसमें, क्या होता है इसमें, है ना। इनफैक्ट आपको ही पता है, मैं मेरे बालों को कभी भी आपके सामने आके, मतलब मेरा जो रेमेडीज होता था, रिव्यूज़ होता था, या फिर जो एंड रिजल्ट होता, उस वक्त मैं आपको ऐसे वैसे करके मैं आपको दिखाती थी, है ना। ये तो आप सबको पता ही है, आपने देखा ही है मेरे वीडियोज पे, और इनफैक्ट मैं अभी भी दिखाई दे रही हूँ। तो ये सब नॉर्मली चल रहा था, मेरे चैनल बहुत अच्छे से चल रहा था, मेरा हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रहा था। आप सबको पता है, राइस वाटर के बाद मेरा हेयर बहुत अच्छे से लंबा हो गया था। उसके बाद 2021 आया, विनाशकारी 2021, जिसमें कि मुझे बहुत कुछ सिखा गया। मतलब बोलते हैं ना कि अगर आपका कुछ लॉस होता है, लेकिन आपको वो सबक सिखा जाता है। तो 2021 was that kind of year for me. 2021 के शुरुआत में ही मेरे बालों में मैंने बहुत गंदा हेयर कट लिया था, जो कि अंडमान में था। मेरे बालों में उन्होंने आई डोंट नो क्या कट किया था, बहुत वाहियात कट था। आपने अगर मेरा ब्लॉग फॉलो किया है तो आपको पता ही होगा, मेरा बाल बहुत छोटे हो गए थे। एक्चुअली इतना छोटे हो गए थे, क्योंकि श्रिंक होते होते मेरे बाल इतने छोटे हो जाते थे। तो वहाँ से मैं सही चल रही थी, उसके बाद मैं बीमार पड़ गई बहुत ज़्यादा, एंड दवाई जो भी सारा था वो था हाई डोज ऑफ एंटीवायरल। आप सही गेस करें, मैंने कोरोना का ही दवाई लिया। मतलब कोरोना का तो वैसा कुछ मेडिसिन तब आया नहीं था, मतलब जो देते हैं हॉस्पिटल में आपको पता ही है, वही हर एक टाइम के शेड्यूल में मेरा दवाई का पैटर्न ऐसा ही होता था कि एंटीवायरल, एंटीपैरासाइटिक, एंटीमाइक्रोबियल, NSAID, उसके साथ कुछ विटामिंस की दवाई। पूरे फैमिली को हो गया था, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा सीवियरिटी जो था वो मुझे ज़्यादा था। मैं सबसे ज़्यादा दिन ली रिकवर होने में, और मुझे एक्चुअली प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला, क्योंकि मुझे ऑफिस ज्वाइन करना था, तो मुझे रेस्ट भी नहीं मिला। आप सबको पता है, कोरोना होने के बाद आपको बहुत अच्छे से रेस्ट लेना है, डाइट लेना है। डाइट तो ले रही थी, लेकिन मुझे उतना रेस्ट भी नहीं मिला। तो उसके बाद मुझे ऑफिस भी ज्वाइन करना पड़ा, एंड ऑफिस, क्योंकि ऑफिस में स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस भी लेना पड़ा, और ऑलरेडी स्ट्रेस था दवाई का,
ऑलरेडी स्ट्रेस था बीमारी का, ऑलरेडी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ तो चलते रहता है हमारा। स्ट्रेस फ्री लाइफ मेरा नहीं था, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, मेरा स्ट्रेस था मतलब इन एवरी वे। एक्चुअली जितना दिन मैं बीमार थी और बीमारी के भी कुछ दिन बाद आई कुड नॉट टच माई हेयर, मतलब मेरे बाल बस बन में होते थे। कभी कभार थोड़ा ऑयल लगाती थी, ज़्यादा भी ऑयल नहीं लगाती थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फीवर आता था एंड फीवर में हम ऑयल नहीं लगाते हैं, मतलब मेरी मम्मी मुझे नहीं लगाने देती है क्योंकि मुझे सर्दी भी हो गया था, तो इस कारण मैंने एक्चुअली कुछ भी नहीं किया, बस पानी से धो लेती थी, उसके बाद कुछ भी नहीं, ऐसी जस्ट फिर से वैसी रख देती थी और मोस्टली ब्रेड में होता था मेरे बाल। अब मैं कम्प्लीटली रिकवर हो गई, मतलब वो वीकनेस से भी मैं ठीक हो गई, तब मुझे लगा कि अब मुझे बालों के साथ कुछ तो करना चाहिए, मतलब देखभाल करना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है मेरे बाल को मुझे वीकली मैं डीप कंडीशनिंग करती हूँ और मैं देखभाल करती हूँ मेरे बालों पे, मैं ऐसे नहीं रख देती हूँ मेरे बालों को। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो रेगुलर होया जाए, देन जो मैं रेगुलर करती हूँ प्रीपू मतलब बालों पे जो ऑयलिंग करती हूँ, डीप कंडीशनिंग, देन स्टाइलिंग, ये मैं धीरे 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 इनकॉर्पोरेट करने लगी। मैं ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ मैंने किया, लेकिन यहीं पे आता है दिल दहलाने वाला सीन, मुझे सोचने से भी अभी कैसा एक हो रहा है कि कैसा होता था, हेयर लॉस, और थोड़ा बहुत नहीं एक्सट्रीम हेयर लॉस। जब मैं मेरे बालों पे हाथ भी फेरती थी मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे आधा से ज़्यादा बाल मेरे हाथों पे आ रहा है। इट वॉज सो हार्ट ब्रेकिंग टू वॉच, मुझे अभी भी सोचने से कैसा एक हो रहा है। तो उस समय मुझे बहुत तकलीफ होता था, मतलब देखने से मुझे अजीब सा एक होता था। जब मैं बाथरूम में हेयर वॉश करती थी मेरे जितना हेयर फॉल होता था उससे एक्चुअली बाथरूम क्लॉग भी हो जाता था, तो इतना ज़्यादा मेरा हेयर फॉल हो रहा था तभी। मतलब मेरे पूरे फैमिली का शायद उतना बाल नहीं झड़ता होगा बाथरूम में हेयर वॉश करते हुए जितना मुझे एक टाइम बाल धोने के लिए जितना मेरा गिरता था, इतना हेयर फॉल हो रहा था मुझे। एक वीडियो यहाँ पे मैं दिखाऊंगी, किसी किसी के लिए थोड़ा सा ग्रॉस हो सकता है, जहाँ आप देख सकते हो कि कितने सारे बाल हैं। ये बस एक वीक का मेरा हेयर शेडिंग था और मैं ना सारा ऐसा जो बाल है ये मैं रख देती थी कुछ डब्बों में, तभी मैंने वो सारा बाल ना मैंने रख दिया था एक डब्बे में, ये सोचकर कि कभी भी मैं अगर रिकवर कर पाई तो आई विल शेयर माई जर्नी विथ यू ऑल। और यहाँ पे आपने जितना सारा बाल देखा ये एक्चुअली एक वीक का है, लेकिन एक वीक में एक्चुअली इससे ज़्यादा आता था, हर टाइम तो मैं लेकर डब्बे में नहीं रख सकती थी मैं, तो ये जो देख रहे हो ना इससे एक अच्छा खासा एक मीडियम बन बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने वो रखा है, फिर से बोल रही हूँ थोड़ा सा ग्रॉस हो सकता है, लेकिन ये मेरे बाल है जो कि एक वीक में इतना सारा गिरा, ये देखो मुझे देखने से कैसा एक हो रहा है, सच बोलूँ तो ये देखो एक बन टाइप का बन जाएगा, हाथ शिवर हो रहा है एक्चुअली, और अभी भी इसमें है जो कि निकल नहीं आ रहा है, और ऐसे और एक डब्बे में भी है। एक वीक में इतना अगर बाल गिरता है तो क्या और बचेगा। आप में से किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि आपका हेयर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम लग रहा है, प्रियादर्शनी आई गेस उन्होंने कमेंट किया था मेरे कुछ एक शॉर्ट वीडियो में, तो उन्होंने एक्चुअली सही बोला था, मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था और स्पेसिफिकली मेरा इस जगह पे तो एविडेंटली पता चल रहा था। अभी तो फिलहाल आ गया है, बहुत ज़्यादा बेबी हेयर्स है, लेकिन मैं यहाँ पे जो पिक्चर्स दे रही हूँ उसमें आप लोग देखिए और ये आप यहाँ का देखिए तो आप लोग समझ पाओगे कि कितना ज़्यादा चेंजेस है इस दो पिक्चर्स में। तो अभी आपने हेयर का आप लोग देखा कि कितना ज़्यादा गिरा, तो आप लोग सोच सकते हो कि मेरे पे क्या बीता होगा वो सारा बाल देखकर उस समय। एक तो मैं स्ट्रेस में थी ऑलरेडी क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था, और उसके ऊपर में इतने सारे बाल अगर मैं एक साथ देखती हूँ तो मुझे कैसा फील होगा। लेकिन ऑनेस्टली बताओ मुझे ना पता था ये होगा, आई वॉज लिटिल प्रिपेयर्ड, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा होगा। और अगर आप कोई भी चीज़ के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होते हो ना तो उसका जो लॉस है ये आपको थोड़ा सा कम फील होता है, ये आपने देखा होगा अपने लाइफ में भी ऐसा ही है। सो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको कैसे पता था कि ये सब होने वाला है, हेयर फॉल होने वाला है, तो एक्चुअली मैं एक फार्मा स्टूडेंट हूँ और मैं जिस डोमेन में काम करती हूँ उसमें मैं साइड इफेक्ट को लेकर ही काम करती हूँ दवाई का, तो इसीलिए मैंने बोला कि जब आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होते हो तो थोड़ा सा कम फील होता है। तो अगर आप लोग भी अभी ये देख रहे हो, अगर आपके आसपास में भी कोई ऐसा फेस से गुजर रहे तो उनको आप लोग थोड़ा सा समझाओ, हो सके तो मेरा वीडियो उनको शेयर कर दो और बोलो कि देखो आपकी जैसी सेम गुजरी है, ताकि ना टेंशन ले वो। जो भी हो, कमिंग बैक टू माय हेयर फॉल, इस हेयर शेडिंग को साइंटिफिकली कहते हैं टेफ्लम एफ्लुवियम। ये टेम्पररी हेयर लॉस फेज है जो कि ट्रिगर होता है ड्यू टू वेरियस रीजन, जैसे स्ट्रेस, कोई भी बिग सर्जरी, चाइल्ड बर्थ, कोई एक्सीडेंट, सर्जरी, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस,
बीमारी एक्यूट हो, क्रोनिक हो, या फिर कुछ मेडिसिन का साइड इफेक्ट, कुछ कुछ डिसऑर्डर जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, तो ये सब के लिए ये होता है। आप कोई भी मेडिकल बुक या फिर आप गूगल में टेफ्लम एफ्लुवियम करके सर्च कर, आपको इसका डिटेल्स मिल जाएगा। मैं आपको बोलूंगी मेडिकल बुक देखो, क्योंकि गूगल में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रॉन्ग भी होता है। सो, मैं इसको लेकर इतना ज़्यादा टेंस नहीं थी, लेकिन अगर आपको हो रहा है तो आपको ये टेफ्लम एफ्लुवियम हो रहा है या नहीं आपको तो नहीं पता होगा, तो बेटर यू कंसल्ट अ डॉक्टर। मैंने भी डॉक्टर कंसल्ट किया था, डॉक्टर ने मुझे जो भी सारा दवाई दिया था, सच बोलूँ तो उससे मुझे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा। मे बी मेरी बॉडी का कुछ तो गड़बड़ होगा कि दवाई से कुछ काम नहीं किया, लेकिन आई नो माई बॉडी, आई नो माई हेयर, आई नो माई स्कैल्प, आई नो माई स्किन, तो मुझे पता था कि मुझे एग्जैक्टली इनको क्या करना है और कैसे करना है। मैंने बस वैसा ही किया, आई नो माई बॉडी, तो मैंने बस वैसा ही किया जैसे मेरे बॉडी को चाहिए। इसीलिए मैं आपको हर वक्त बोलती हूँ कि नो योर बॉडी बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, देखो कौन सा अच्छा हो रहा है, कौन सा अच्छा नहीं हो रहा है, और उसी को थोड़ा सा आप लोग रख दो आपके डायरी के कोई कॉर्नर पे कि ये मेरे लिए इफेक्टिव है, ये मेरे लिए अच्छा है। डायरी में भी रखने का कोई जरूरत नहीं, आपको खुद ही पता होगा एक्चुअली। अमर गोलपोटी फुरालो नोटे गाष्टी मोरालो, शायद ऐसा ही कुछ है बंगाली में एक राइट, जिसमें कि कहते हैं कि मेरा कहानी यहीं पे खत्म, तो हेयर फॉल का स्टोरी यहीं पे खत्म। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया, यही एक्चुअली आपको चाहिए ना। नो कि आपको यही सुनना है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा स्टोरी भी अगर मैं आपके साथ शेयर कर दूं तो यू कैन एक्चुअली रिलेट टू योर सेल्फ, एंड उससे आपको थोड़ा सा तो हौसला मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट इज खाना। अब खाना आप जो खाते हो ना, आपका शरीर में वो बाहर दिखता है। ये मुझे सीख मिली है फ्रॉम माई एक्ने। मेरा पहले इतना ज़्यादा एक्ने हुआ करता था ना, मेरे पहले के फ्रेंड्स या फिर मेरे रिलेटिव्स बोल सकते हैं कि मेरा स्किन इतना ज़्यादा ख़राब था, लेकिन मैंने धीरे 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 मेरे लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत चेंजेस लाकर ही मेरा एक्ने को सही किया, एंड ये जो हेयर फॉल भी है ये भी बहुत हद तक ठीक हुआ है फॉर माई लाइफस्टाइल एज वेल एज डाइट चेंज। मैं डाइट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे लीफी वेजिटेबल रखती हूँ, और उसके साथ मैं ना लोकल खाने लगी, मतलब लोकल जो उगता है वो मैं खाने लगी। स्पेशली मैं अंडमान में रहती हूँ, तो अंडमान में सिंपल सिंपल भाजी बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कोलमी साग या फिर मार्शा भाजी, ये सब बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैं ये सब एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटेक करने लगी। मैं वीकली ट्वाइस तो लीफी वेजिटेबल लेती हूँ जो कि लोकल उगता है। मैं पालक में उतना डिपेंडेंट नहीं होती हूँ, क्योंकि पालक अंडमान में उतना उगता नहीं है। सिंपल सिंपल वेजिटेबल्स जो कि बेसिकली मिल जाता है, जो कि छोटे छोटे शॉपकीपर्स रखते हैं, मैं वहाँ से जाके मोस्टली मेरा शॉपिंग करती हूँ फॉर माई वेजिटेबल्स। उसके साथ वाइटामिन का टैबलेट तो कोविड में सबको मिला है। हम लोग वाइटामिन सी का टैबलेट क्यों खाते हैं? हम लोग डायरेक्ट एक आंवला अगर सुबह उठ कर खाते हैं तो वाइटामिन सी का कोई कमी नहीं होता हमारे शरीर में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जिनके शरीर में वाइटामिन सी की कमी से उनका लिप्स में छाले पड़ जाते हैं, तो क्यों उतना दूर तक क्यों जाना? थोड़ा थोड़ा अपने लाइफस्टाइल में डाइट पे चेंज लाओ, सब सही हो जाएगा। आंवला लो सुबह उठकर, एक आंवला खाओ हर दिन, विटामिन सी का भी कमी नहीं होगा, साथ में उसके साथ इम्यूनिटी भी एकदम धींचक हो जाएगा। अगर आंवला नहीं मिलता है तो नींबू ले लो, नींबू तो आसानी से मिल जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में जाकर जो नींबू का स्क्वाश मिलता है विद लॉट्स ऑफ शुगर वो आप लेकर आओ। हर वक्त कोशिश करो कि जो रॉ फॉर्म में है उसे लेकर आकर उसको कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि उस पे मेन बेनिफिट होता है। उसके बाद प्रोसेसिंग में एक्चुअली उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। उसके बाद जो मैंने चेंजेस किए खाने में वो ये है कि मेरे पूर्वज जो खाते हुए आए ना, मैं उसे ज्यादा प्रेफर करने लगी। अब मेरे पूर्वज को, मतलब मेरे जो मम्मी के नानी, नानी के नानी या फिर पैटर्नल साइड में जो भी है, उनको कहाँ छोले पता है बोलो, उनको छोले का मतलब भी नहीं पता था कि छोले किसे कहते हैं, वो तो मच्छी डाल पे ही रहते थे, तो मैं भी वही एक्चुअली ज़्यादा प्रेफर करने लगी। और मेरा शरीर भी तीनों टाइप छोले नहीं ले पाएगा, मुझे ब्लोटिंग होगा, एसिडिटी होगा, तो ऐसा सिंपल सिंपल चेंजेस मैंने बस किया है। तो मैं बस नॉर्मल बेसिक मेरा घर का खाना खाने लगी, विथ लीफी वेजिटेबल का जो क्वांटिटी है मैंने थोड़ा बढ़ा दिया। लीफी वेजिटेबल में एक मैं भाजी है जिसका नाम मैं लेना चाहूंगी, जिसको अंडमान में कहते हैं मालोंचो साग, मुझे लगता है वेस्ट बंगाल में भी इसका नाम मालोंचो साग है, और इसका इंग्लिश में नाम है एलिगेटर वीट। ये मैं मेरे डाइट पे बहुत ज्यादा लेने लगी एक्चुअली, और ये मुझे बहुत यमी भी लगता है। ये साग इज टू गुड फॉर हेयर ग्रोथ, इससे टॉनिक भी बनता है हेयर ग्रोथ का, और ये खाने में भी यमी है। खाने में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, मैं बस उतना ही बोलूंगी घर का खाना खाई हूँ, कॉन्शियसली मैं खाने लगी हूँ, ये बात में मैं बोलूंगी, गिल्ट फ्री खाना मैं खाने लगी हूँ।
पहले मैं खाती थी अगर बाहर तो मुझे यही लगता था अरे मैंने कितना खा लिया, अरे मैं मोटी हो जाऊंगी, ये हो जाऊंगी, वो हो जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने ऐसा सोचना। अगर मैं बाहर खाती भी हूँ तो मैं कुछ सोचती नहीं हूँ, मैं ऐसा एंजॉय करके खाती हूँ। लेकिन मैं बाहर जब खाती हूँ मैं इतना सोच लेती हूँ कि इतना अगर मैं खाऊँ तो मुझे हेवी हो जाएगा, मतलब मैं मेरा जो लेवल है वो मैं पहचानने लगी। और एक है मैंने जो इंक्लूड किया मेरे खाने में, वो है कॉन्शियस ईटिंग। जब आप खाओगे तो बस खाना खाओ, मतलब एंजॉय करो उस प्रोसेस को। कोई भी फ़ोन या फिर टीवी की तरफ मत देखो, उस एक 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 दाने को देखो, उसका टेस्ट को बहुत अच्छे से एंजॉय करो, उसको अच्छे से चबाओ। तो इसको कहते हैं कॉन्शियस ईटिंग। इसके बारे में अगर ज़्यादा जानना है तो आप ऋतुजा दिवेकर का वीडियो या फिर बुक्स आप पढ़ सकते हो या फिर देख सकते हो वीडियोस, तो उसमें ये सब के बारे में बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड है। तो मैं एक्चुअली ऋतुजा दिवेकर जी को फॉलो करती हूँ एंड आई रियली लाइक ऑल दिस कॉन्सेप्ट। तो ये करके मुझे वेट लॉस भी हुआ, वो भी बहुत नेचुरली और बहुत ही अच्छा वे में। मतलब ऐसा नहीं कि मेरा स्किन सैग हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, मुझे बहुत ही धीरे धीरे वेट लॉस हो रहा है एंड दिस प्रोसेस इज सो ब्यूटिफुल। योगा, उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है योगा। आप सबको पता है मैं योगा करती हूँ। जस्ट मैंने क्या किया, मेरा प्रैक्टिस को फिर से रीस्टार्ट कर दिया। कुछ दिन मेरा प्रैक्टिस थोड़ा सा बंद होके पड़ा था, मैंने बस उसको चालू कर दिया, बस इतना ही मैंने किया। योगा एंड प्राणायाम से एक्चुअली ब्लड फ्लो होता है और जिसके कारण कि हमारे स्कैल्प में ऑक्सीजन पहुंचता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि योगा एंड मेडिटेशन करोगे आज और कल ही आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा या फिर हेयर ग्रोथ होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। आई फील योगा से बॉडी का टेंशन चले जाता है और प्राणायाम मेडिटेशन से हमारा माइंड बहुत ज़्यादा पीसफुल होता है, जिसके कारण हम एक बहुत ही पॉजिटिविटी लाइफ जीते हैं और जिससे आप खुश होते हो। बहुत हेयर लॉस स्ट्रेस के लिए होता है और यही स्ट्रेस को ओवरकम करता है योगा एंड मेडिटेशन। तो एक्चुअली योगा और मेडिटेशन थोड़ा सा घुमा के काम करता है हेयर लॉस के। एंजाइटी इंडाइजेशन से भी हेयर फॉल होता है, तो यही एंजाइटी इंडाइजेशन एंड ब्लड फ्लो स्कैल्प योगा एक्चुअली करवाता है। स्पेसिफिकली ऐसा एक दिन कभी भी नहीं किया कि आज मुझे हेयर फॉल रोकने के लिए योगा करना है, नहीं मैंने ऐसा सोचा ही नहीं। मैं नॉर्मल योगा करती हूँ, उसमें से कुछ कुछ योगा है जो कि ब्लड फ्लो स्कैल्प में बढ़ाता है, जैसे कि बालासन, शीर्षासन। शीर्षासन आप प्लीज़ 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 घर पे अगर आपने कभी भी किया नहीं है तो आप लोग ना करें, लेकिन आप बालासन तो आराम से कर सकते हो, चाइल्ड पोज जिसे कहते हैं, वज्रासन, उत्तानासन, मत्स्यासन, और उसके साथ आप लोग प्राणायाम में कपालभाति करिए, भ्रामरी करिए। भ्रामरी से आपका शरीर बहुत ज़्यादा पीसफुल होता है। कि मुझे सच बोलूँ तो हेल्प तो बहुत हुआ है, नॉट ओनली फॉर हेयर स्किन एज वेल एज मेरा ओवरऑल हेल्थ, मेरा वेट लॉस, सब चीज़ के लिए। सो मैंने एक्चुअली योगा का कोर्स किया है, उसमें योगा से भी ज़्यादा मेडिटेशन पे ध्यान दिया गया था और मुझे मेडिटेशन करना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं श्री श्री रविशंकर जी का मेडिटेशन फॉलो करती हूँ, आप यूट्यूब में सर्च करिए, उनका गाइडेड मेडिटेशन होता है, वो बोलते रहते हैं आपको बस सुनना है, एंड वैसे आप करिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, पॉजिटिविटी आएगा लाइफ में और उसके साथ में आपका स्ट्रेस भी बहुत हद तक कम होगा। ट्राइड एंड टेस्टेड है तो मैं आपको बोल रही हूँ, प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखिए। लेकिन यस, आपको ये एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको कंसिस्टेंटली यूज करना है विद ए पॉजिटिव थॉट। इसके बाद का जो पॉइंट है वो है DIY, मेरा होममेड रेमेडी। ये तो मैं करते हुए आई हूँ, लेकिन मैंने कुछ कुछ स्पेसिफिकली जैसे हिबिस्कस रिंस, हिबिस्कस जेल, हिबिस्कस पैक, एलोवेरा रिंस, एलोवेरा हिबिस्कस पैक, मेथी का, जैसे मेथी स्कैल्प स्टिमुलेटर, मेथी स्प्रे, ये सब मैं इंक्लूड करने लगी हूँ। DIY मुझे हर वक्त हेल्प करता है और DIY से मुझे कभी भी निराशा नहीं मिला है। तो मैं DIY में ही मोस्टली हिबिस्कस, एलो और मेथी, ये तीन मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करने लगी। तो कभी कभार मैं ये तीनों का ही पैक लगा देती थी, कभी कभार मैं अलग 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 करके लगाती हूँ और मुझे पता है कि DIY मुझे कभी भी निराश नहीं करेगा। तो मैं कुछ आपको स्पेसिफिकली बोल रही हूँ कि अगर आप ऐसे फेस से गुजर रहे हो तो ये सब आप यूज करो। तो मैं शुरू करती हूँ स्कैल्प स्टिमुलेटर से। तो आप मेथी स्कैल्प स्टिमुलेटर मेरे चैनल पे दिया गया है, आप इसे देखिए, ये एक बहुत बेहतरीन एक स्कैल्प स्टिमुलेटर है। आप इसी को ही एज ए हेयर पैक भी लगा सकते हो, मैंने उसका भी वीडियो आपको दिखाया है। तो मेथी आप ऐसे यूज करिए, उसके बाद हिबिस्कस का जेल आप यूज करिए, हिबिस्कस का पैक आप यूज करिए और मेथी और हिबिस्कस का आप एक स्प्रे बनाकर भी आप लगा सकते हो। साथ पे एलोवेरा, एलोवेरा को आप एज ए रिफ्रेश, आप एज ए स्कैल्प टॉनिक, आप एज ए
हेयर कंडीशनर ऐसे आप यूज करिए। अगर आप चाहते हैं कि कुछ दिन आप मार्केटेड प्रोडक्ट फ्री जिंदगी जियोगे और बस DIY यूज करोगे तो ये तीन आप जरूर इंक्लूड करें। मैंने यूज किया है और मैंने इसका रिजल्ट देखा है, ट्रस्ट मी ये सच्ची मैजिक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें मैं बोलूंगी कि मैंने प्रोडक्ट में क्या क्या यूज किया है। प्रोडक्ट में मैंने ये तीन ही यूज किया है, उसमें से एक जो प्रोडक्ट है वो मेरा होममेड प्रोडक्ट है तो उसको मैं DIY में इंक्लूड कर सकती थी, लेकिन क्योंकि मैंने ऑयल को सेपरेट ही रखा है तो ऑयल में मैंने ये तीन ऑयल यूज किया है और ये तीन ना क्या बोलूं मैं आपको, गॉड सेंट प्रोडक्ट है एक्चुअली। उसमें से जो पहला ऑयल है ये मेरा होममेड मैजिक हेयर ऑयल है, ये सच्ची मेरा लाइफ का सब कुछ है। मतलब मेरे बाल जो ऐसे है ना ये एक्चुअली इसी का कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरे लाइफ में। मैंने शुरुआत से इस ऑयल को यूज किया है एंड ये कभी भी फेल नहीं करता है मुझे, और मैंने ना जाने कितने लोगों को हेल्प किया है विद दिस ऑयल। बहुत सारे लोग ये बॉटल बॉटल बना के रख देते हैं, उनको बहुत ज्यादा हेल्प हुआ है। इसका रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप चाहो तो देख सकते हो, बहुत 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 अच्छा है गाइज, एक बार ये ट्राई करके देखिए। और ये थोड़ा सा थिक हेयर ऑयल है, ये ऐसा नहीं कि थिन है, तो आप प्रीपू के लिए यूज़ कर सकते हो, और अगर आपका एक्सट्रीम ड्राई हेयर है तो आप हर दिन स्कैल्प मसाज के लिए भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो हेयर ऑयल है ये है फ्रॉम द ब्रांड कामा आयुर्वेदा, इसका नाम है कामा आयुर्वेदा ब्रिंगाड़ी हेयर ट्रीटमेंट ऑयल। ये भी एक बहुत बेहतरीन एक हेयर ऑयल है टू स्टॉप हेयर लॉस, लेकिन ये हेयर रीग्रोथ नहीं करता है और इसका जो स्मेल है ये स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आपका सेंसिटिव स्कैल्प है तो यू कैन नॉट यूज दिस, और इसे आप लगा के बाहर नहीं जा सकते हो क्योंकि बहुत ज्यादा स्मेल करता है और साथ पे बहुत ज्यादा थिक हेयर ऑयल भी है। तो आप इसे यूज कर सकते हो, लेकिन आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप रात भर इसे रखोगे, और अगर आपको नेक्स्ट दिन हेयर वॉश करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये वाला आप यूज करो। मैं आपको एट लास्ट बोलूंगी कि मैं कैसे सारे हेयर ऑयल यूज करती हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा कि कब कब आपको क्या क्या यूज करना। अब आते हैं ये छोटू सा बॉटल, लेकिन ये जो अमेजिंग प्रोडक्ट है ना, मैं आपको क्या बोलूं, ये है जूसी केमिस्ट्री का चिली हॉर्सटेल एंड ब्लैक सीड ऑयल। ये बहुत ज्यादा अच्छा है, ये मैंने पहली बार ही लगाया और इसको मुझे नेक्स्ट दिन ही ऐसा लगा कि मेरा हेयर फॉल बहुत हद तक कम हो गया। ये क्लेम करता है कि ये हेयर फॉल को कम करता है, साथ पे हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है। हेयर ग्रोथ प्रमोट जरूर करता है, मैं ये 101% बोलूंगी, एक्चुअली हेयर रीग्रोथ करता है। मेरे यहाँ पे जो आपको बेबी हेयर दिख रहा है ना, ये सारा इस प्रोडक्ट का कमाल है, क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट बस यहाँ पे और यहाँ पे लगाती हूँ और मेरे हेयर लाइन पे एक्चुअली मैं लगाती हूँ, एंड मैंने ऐसा कभी भी मेरे बालों पे देखा नहीं कि इतना ज्यादा हेयर ग्रोथ हो रहा है। एंड ये सारे बेबी हेयर्स है एक्चुअली, ओ गॉड ये इतना ज्यादा अच्छा है ना, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा। ये मेरा फोर्थ बोतल है एंड ये सच में वर्क करता है, इसका मैं अलग से रिव्यू देने वाली हूँ। लेकिन अगर आपको उतना दिन भी सहन नहीं हो रहा है कि तनु कब रिव्यू करे और कब मैं खरीदूँ, मैं आपको बोलूंगी आग बंद करके ये प्रोडक्ट खरीद दो, ये बेहतरीन प्रोडक्ट है, बेहतरीन। इसे यूज करने के पहले मेरे माइंड में सवाल था कि क्या ये मेरे स्कैल्प को जला देगा, क्योंकि ये चिली हेयर ऑयल है। इसके पहले मैंने कभी भी चिली हेयर ऑयल यूज नहीं किया है, लेकिन मैंने देखा था YouTube में बहुत सारे लोग बोल रहे कि चिली हेयर ऑयल अच्छा है अच्छा है अच्छा है, एंड जब मैंने इसको यूज किया तो सच में मैं इसका फैन बन गई। ये आपको नायका में मिल जाएगा, साथ पे आपको जूसी केमिस्ट्री के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये थोड़ा सा कॉस्टली हेयर ऑयल है, लेकिन अगर आप सेल पे लेते हो तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा एंड यू कैन यूज इट। तो मैं पहले बोलूंगी ये सबको सूट नहीं करेगा, ये भी एक बात है, मेरे स्कैल्प में सूट कर गया लेकिन सबको सूट नहीं करेगा, ये भी हो सकता है। तो आप ना ऐसा छोटा वाला डब्बा, इससे भी एक बड़ा वाला डब्बा आता है, लेकिन इसका छोटा डब्बा पहले लो, देखो कि काम आता है या नहीं, और अगर नहीं आता है तो आप किसी को रीसेल कर सकते हो, मैं ही खरीद लूंगी। ये वाला आप एक बार यूज करके देखिए, मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज करने वाला है, स्पेशली मेरा इस पार्ट में। यार मैं कभी भी इतना सारा बाल नहीं देखी हूँ, मैं कितनी बारी बात आपको बोलूँ। तो आपको ऐसा लग सकता है जब मेरा हेयर फॉल हो रहा था तब मैंने ये क्यों नहीं यूज़ किया, तो एक्चुअली ना अंडमान में वर्जिन कोकोनट ऑयल नहीं मिल रहा था तभी, और मुझे पैराशूट नहीं यूज़ करना था, पैराशूट इज़ नॉट वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो जब मैं बीमार थी तब तो लॉकडाउन चल रहा था, एंड देन जब मैं धीरे 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 ठीक हो गई, लॉकडाउन भी चले गया, एंड देन नायका का डिलीवरी अंडमान में आने लगा, तो मैंने मैक्स केयर का वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ किया। बहुत अच्छा हेयर ऑयल है वो भी, मतलब वर्जिन कोकोनट ऑयल है, मेरा बेस ऑयल वही होता है। तो मैंने वो मंगवा लिया, मैंने उससे मेरा हेयर ऑयल बनाया, एंड दो दिन के बाद ही मेरा हेयर फॉल ना बहुत हद तक मुझे कम लग रहा था। तो मैं ये ऑयल कैसे यूज़ करती हूँ, ये जो मेरा DIY हेयर ऑयल है ये मोस्टली मेरा चंपी हेयर डेज में यूज़ करती हूँ, या फिर मेरा डेली स्कैल्प मसाज में ये हेयर ऑयल होता है।
ये तो हो गया मेरे DIY हेयर ऑयल, मेरे घर में हर वक्त रहता है, मेरा भाई भी सुबह इससे स्कैल्प मसाज करता है, मैं भी करती हूँ हर दिन सोने के पहले। अब आता है मार्केटेड हेयर ऑयल, ये मैं कैसे यूज करती हूँ। तो ये दो जो आपको ऑयल दिख रहा है ना, ये एक्चुअली मैं ट्वाइस यूज करती हूँ, वीकली ट्वाइस, और इसे मैंने जैसे बोला जस्ट मेरे हेयर लाइन पे यूज करती हूँ, स्कैल्प में यूज करती हूँ, और ये मेरा लेंथ पे यूज होता है क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे बालों पे, मतलब लेंथ पे थोड़ा सा ड्राइंग है, लेकिन स्कैल्प पे एक्चुअली हेयर रीग्रोथ करवाता है, तो इसीलिए मैं स्कैल्प में लगाती हूँ और ये लेंथ पे। और ये बस खत्म होते हुए आया है, इसका भी रिव्यू मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी, कामा का भी, और इसका तो रिव्यू आ ही रहा है आप ऐसा समझ लो। तो यही है मेरा ऑयल स्टोरी फ्रॉम माय हेयर फॉल स्टोरी। अब जो मेरा पॉइंट होगा ये सबसे लास्ट पॉइंट है एंड ये सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो अब मैं जो बोलूंगी ये है स्ट्रेस। आई नो स्ट्रेस सबके लाइफ में होता है, लेकिन स्ट्रेस के लिए ही हमारा शरीर का आधा से ज्यादा प्रॉब्लम है। एक्ने बोलो, बाल बोलो, वेट गेन बोलो, वेट लॉस बोलो, मोस्टली जो फैक्टर अफेक्ट करता है ना वो है स्ट्रेस। आई नो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको जीना है, आपको ट्राई करना है। अनटिल अनलेस यू ट्राई योरसेल्फ आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, ये आप ध्यान से सुन लो, कोई नहीं हेल्प कर सकता। वो आपका फैमिली बोलो, आपका बॉयफ्रेंड बोलो, आपका हस्बैंड बोलो, आपका फ्रेंड्स बोलो, कोई नहीं हेल्प करेगा। सबका लाइफ का जो चाबी है ना वो सबके हाथों में होता है। तो इफ़ यू वॉन्ट टू हेल्प योर सेल्फ आज के आज ही थोड़ा बहुत स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के कोशिश करो। स्ट्रेस लेके कुछ भी नहीं होगा, ये पॉइंट मुझे पहले बोलना था, लेकिन ये पॉइंट अगर मैं पहले बोलती ना तो आप लोग बोलते अरे तनु हटाओ यार, ये पॉइंट क्या पॉइंट है, हटाओ तुम दूसरा कुछ बोलो। लेकिन ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बस इतना सुन लो कि यू आर नॉट बिरयानी, यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। हमारा ज़्यादा से स्ट्रेस इसीलिए होता है कि हम दूसरों को एक्सपेक्टेशन में हम जी नहीं सकते हैं। आप खुद के एक्सपेक्टेशन में आप जी सकते हैं। हमारे लाइफ का आधा से ज़्यादा स्ट्रेस ज़्यादा किस कारण होता है बोलो, कि हम यही सोचते हैं कि अरे मम्मी इस बात में नाराज़ हो जाएगी, अरे वो उस बात में नाराज़ हो जाएगा, हम मैंने उसको खुश नहीं कर पाया, इसको खुश नहीं कर पाया। लेकिन वही मैंने बोला कि आप बिरयानी नहीं हो, आप सबको खुश नहीं कर सकते हो। तो प्लीज़ आपका लाइफ का जो खुशियाँ है ना वो आप खुद ही खुद को दे सकते हो। मैं आपको बोलूँगी तो आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो तो कोई काउंसलर के पास जाओ, कुछ प्राणायाम करो, कुछ मेडिटेशन करो, योगा से जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, और अच्छा खाओ, है ना, अच्छा खाओ, अच्छे से अपने लाइफ को जियो। ये लाइफ हमें फिर से नेक्स्ट टाइम नहीं मिलने वाली है। आप लोग बिना काम का स्ट्रेस लेके खुद का बाल भी गंवा रहे हो, खुद का टाइम भी गंवा रहे हो, है ना। अपना जो लाइफ है ये प्रेजेंट में जियो, पास्ट तो हो चुका है, चेंज नहीं कर सकते, और फ्यूचर हम देखे नहीं है, तो बेटर है प्रेजेंट में जियो। कल क्या होगा उस पर छोड़ दो, प्रेजेंट में जियो, कुछ ना सोचो फ्यूचर का। मैं सद्गुरु जी को फॉलो करती हूँ और वो वही कहते हैं कि फ्यूचर में जो है उसको आने दो, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ आने दो लाइफ में, तभी तो थ्रिल रहेगा लाइफ में। तो ऐसे जियो अपने लाइफ को कि जैसे कि आपकी आखिरी हो, और बहुत एंजॉय करके जियो, बहुत एंजॉय करो। स्ट्रेस लेके फिर से बोलूँगी आपका ही बिगड़ेगा और किसी का कुछ नहीं होगा, ठीक है। और उसके साथ मैंने जो इंक्लूड किया वो है कि स्कैल्प मसाज, ये तो मैं पहले से भी करते हुए आई हूँ, लेकिन फिर भी मैं कंसिस्टेंटली डेली करती हूँ, और साथ में मैं इन्वर्स मेथड में मैं स्कैल्प मसाज करती हूँ, मतलब बालों को जस्ट आपको उल्टा करना है एंड देन आपको हल्के हल्के हाथों से स्कैल्प मसाज करना है। स्कैल्प मसाज के वक्त आपको नेल्स को इस्तेमाल नहीं करना है, जस्ट फिंगर टिप को यूज़ करना है। स्कैल्प मसाज के लिए आप आजकल मार्केट में स्कैल्प मसाजर भी मिलता है, लेकिन मैंने वो सब कुछ भी यूज़ नहीं किया, मैं मेरे हाथ ही यूज़ करी हूँ, ठीक है। तो यही था मेरा हेयर फॉल स्टोरी, और मैं कैसे इस स्टेज से इस स्टेज में आई हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं सच बोलूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ, मतलब मैंने धीरे 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 मेरे लाइफ को ना एक्चुअली ट्रैक पे लाया एंड देन उसी को मैं फॉलो कर रही हूँ। मैंने कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया और कुछ रॉकेट साइंस मैंने इसमें अप्लाई नहीं किया, जस्ट मेरे लाइफ को मेरे जैसा जिया, ठीक है। स्ट्रेस में मैं बोलूँगी अगर आप कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ भी, फ्रेंड्स फैमिली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी के साथ भी, मैं बोलूँगी कट ऑफ कर लो, टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको ही तकलीफ देगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। बाय बाय, टेक केयर।